हाय स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर ए का मैपिंग ऑफ ए का पार्ट थ्री, जिसमें हम देखने वाले हैं आज कि स्केल का कंपैरिजन। स्केल क्या होती है? मैंने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया कि सपोज तुम्हें 1 किलोमीटर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना, अगर वही 1 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर तुम पेपर में रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो तुम 1 किलोमीटर की लाइन खींचोगे। अगर 1 किलोमीटर की लाइन खींचने चाहोगे तो कितना बड़ा पेपर चाहिए होगा ना, तो उससे क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं छोटी वैल्यू। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 किलोमीटर को क्या लिखा है, 1 सेकंड। मतलब मुझे अगर कहीं पे 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं ड्राइंग करें तो उस 1 किलोमीटर को मैं 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेके चलूंगा। अगर 2 किलोमीटर हो गया तो मेरा कितना सेंटीमीटर बनेगा, 2 सेंटीमीटर की ड्रॉइंग बनेगी। सपोज मैं कोई फिगर भी ड्रॉ करें, अगर मैं ये टेबल ओरिजिनल इसकी लेंथ ड्रॉ करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करूंगी जो इसका सेंटीमीटर लेंथ है उसको मैं छोटी वैल्यू में रिप्रेजेंट करूँ। जैसे हम घर बनाते हैं ना, हम घर की ड्राइंग बनाते हैं या आर्किटेक्चर जो प्लान बनाते हैं, वो प्लान तो ऐसे नहीं कि उतना बड़ा प्लान बना के रख देते हैं, वो भी क्या करते हैं स्केल लेते हैं कि अगर 1 किलोमीटर का मेरा एरिया है या कुछ है तो उसमें 1 किलोमीटर को स्क्वायर एरिया को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है जो भी है उसको मैं क्या करूँगी छोटे से लेंथ में रिप्रेजेंट करूँगी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा स्केल का मैथ। तो सपोज मैथ है, हमें मैथ के लिए दिया गया है कि अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना गिवन है, दैट इज 1 किलोमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर रियल डिस्टेंस 50 किलोमीटर है तो मैथ में कितना वो डिस्टेंस करेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है 1 किलोमीटर। फिर हमें क्या निकाला है, एक मैप का डिस्टेंस निकाला, ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है किसकी है, मैप की है। ये वाली हमारी डिस्टेंस क्या है, रियल डिस्टेंस। रियल डिस्टेंस की नीचे रियल 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ से है। हमें क्या निकाला है, मैप की वैल्यू। सपोज ये वैल्यू जो हम निकाल रहे हो क्या है, एक्स है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर। ये 1 by 1 स्टेप क्लियर करना है, 15 किलोमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू आता है एक्स इंटू 1 किलोमीटर। एक स्टेप और लीजिए थे ताकि तुम्हें ज्यादा क्लियर हो, क्या हो गया 15 किलोमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 किलोमीटर। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होगी। कैसा, सपोज ए इक्वल्स टू बी है और सी इक्वल्स टू डी है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, ए बी टू डी इक्वल टू सी इंटू बी। ये क्या है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, उसी तरह इस वैल्यू को हम कैसे लिखो, अब एक्स एज इट इज यही रहेगा, एक्स क्या हो गया 1 किलोमीटर 15 किलोमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर अपॉन में क्या चाहिए, ये जो 1 किलोमीटर वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। किलोमीटर किलोमीटर क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, एक्स इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हम डायरेक्टली इंटू कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 सेंटीमीटर से, तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। बताओ अगर मुझे 15 किलोमीटर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है मैप में तो उसको मैं कितना स्पीड लेके चलूंगी, दैट इज 15 सेंटीमीटर। वही हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अगर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने में कितना करूंगी, 2 सेंटीमीटर। स्केल क्या हो गई, बढ़ रही है ना, देखो अगर इक्वल टू हो रहा था तो स्केल क्या हो रही है, एज इट इज रहेगी। यहाँ पर 1 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। हमें फाइंड आउट करना है आंसर क्या गिवन है, 40 सेंटीमीटर दिया है, हमें रियल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। 40 सेंटीमीटर गिवन है और हमें रियल डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एक्स, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू 22 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर इंटू 1 किलोमीटर। यहां तक क्लियर, अब एक्स इक्वल टू क्या चाहिए, एक्स विल इक्वल 40 सेंटीमीटर
into 1 kilometer about 2 centimeter. Units भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कब कौन सी यूनिट आएगी, क्योंकि जो इसके साथ यूनिट्स अगर तुम बोले हो गए तो गलत होनी चाहिए. यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर दिया 2 × 4 तो कितना आंसर आया 20 किलोमीटर. अच्छे से देख लो कितना आंसर आया, दैट इज 20 किलोमीटर. 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 किलोमीटर गिवन है. हमको गिवन है कि मैन इक्वल्स का डिस्टेंस कितना 40 सेंटीमीटर. वही 40 सेंटीमीटर का जब हम करेंगे तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 किलोमीटर. मैट के नीचे मैट की ही वैल्यू है, 2 के नीचे कौन सी वैल्यू 40 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x. x इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर इंटू 1 किलोमीटर. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 2 सेंटीमीटर नीचे चल रहा है, कहाँ नीचे चल रहा है डिवाइड में चल रहा है. तो 40 सेंटीमीटर इंटू 1 किलोमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा 2 × 2 = 4 और 0 ऐसे भी सेंटीमीटर. कितना आंसर आया हमारा, दैट इज 20 किलोमीटर. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन हमारा देखते हैं, दैट इज 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. अगेन डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है. स्केल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ये 1 किलोमीटर है, यहाँ कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर. हमको रियल डिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया हुआ है, रियल डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर. वैल्यू कौन से फाइंड आउट करनी, मैक वाली फाइंड आउट करनी. कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज ऑफ मैट. अब हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर इंटू 45 किलोमीटर इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 किलोमीटर. यहां तक क्लियर हो, ठीक है. एक 3 सेंटीमीटर इंटू 45 किलोमीटर इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 किलोमीटर. अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, यहां आ रहा था फिर नीचे आ रहा. अब ये एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 किलोमीटर से हो रहा है. अब करें तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 45 किलोमीटर इक्वल्स टू एक्स अपॉन क्या जाएगा 1 किलोमीटर. किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा और कुछ वैल्यू करेंगे, नीचे क्या है 1 है तो 1 डिवाइड नहीं करेंगे लोग, तो क्या होगा इंटू करेंगे 45 इंटू 3 5 3 जा 15 क्या 4 3 जा 12 12 प्लस 1 35 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा. अगर 45 किलोमीटर है तो मुझे उसमें कितना रिप्रेजेंट करेगा मैट में, दैट इज 35 सेंटीमीटर. अगेन इसको समझना है, हमको गिवन है डिस्टेंस दैट इज 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. तो 45 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 135 सेंटीमीटर. कैसा है वो आंसर देख लेते हैं. 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना 1 किलोमीटर. हमें मैप रियल डिस्टेंस दी हुई, क्या दी हुई है 45 किलोमीटर को हमें मैप में रिप्रेजेंट करना है. मैप में रिप्रेजेंट के लिए हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो नीचे आ जाएगा x. अब x इनटू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर इनटू 3 सेंटीमीटर. यहां क्लियर हो, इस x के साथ 1 किलोमीटर का होल कहां आ जाएगा, इन दोनों के नीचे आएगा और होल के नीचे. ऐसा नहीं कि खाली 3 सेंटीमीटर के नीचे आएगा, पूरे के नीचे 1 किलोमीटर. अब अभी किलोमीटर किलोमीटर कट हो गया, 45 इंटू 3 करने का आंसर हमारा आता है 135 सेंटीमीटर. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज हाफ सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. क्या गिवन है, हाफ सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. हमें क्या गिवन है 50 सेंटीमीटर गिवन. कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एक्स. मतलब मैट की डिस्टेंस हमें दिया है, हमें रियल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू हाफ सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर. यहां तक क्लियर हो, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे मैट के नीचे मैट की वैल्यू लिखी, रियल के नीचे रियल, रियल हमें फाइंड आउट करना था इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया x. अब ये x है, ये क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर.
हेयर। अब देखो यहाँ क्या होगा, हाफ आएगा सेंटीमीटर आएगा, ओके हाफ सेंटीमीटर है। यहाँ पे ध्यान देते हैं कि वन कहाँ रहेगा और टू कहाँ चला जाएगा, इसको कैसे लिखते हैं, वन किलोमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ क्लियर रखना कि जो ये हाफ रहेगा, हाफ का जो वन है वो एज इट इज नीचे रहता है। जैसे अगर सपोज सी अपॉन डी, सपोज बी सी अपॉन डी है, तो उसको कैसे लिख प्रेजेंट कैसे मैं ऊपर लिख दूँ थोड़ा ताकि क्लियर रहे तुम्हें। अगर बी सी अपॉन डी है तो इसको लिखा जाता है बी सी एज इट इज यहाँ रहता है और कहाँ डी ऊपर चला जाता है, तो वही चीज वहां पे हो रही है। वहां पे क्या हो रहा है, वन जो है वो नीचे रहेगा और टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर जाएगा, 5 × 2 = 10, आंसर आएगा हमारा 100 किलोमीटर। आंसर क्या आएगा हमारा 100 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ, कितना आया आंसर 100 किलोमीटर। अब आगे चेक करेंगे, दैट इज अ फिफ्थ क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर = 1.5 किलोमीटर। हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर = 1.5 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 60 किलोमीटर = how much सेंटीमीटर। कितना निकालना है, 60 किलोमीटर = how much सेंटीमीटर। जो निकालना है उसके लिए हमें क्या लग जाता है, एक्स लग जाता है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर डिवाइड आती है और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर डिवाइड आती है। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 60 किलोमीटर = 1 सेंटीमीटर = 1.5 किलोमीटर × x। यहाँ तक क्लियर हो, अब x की वैल्यू क्या रहेगी, s x जो है वो ऊपर रहेगा, 60 किलोमीटर × 1 सेंटीमीटर / 1.5 किलोमीटर। अगर मैं 1.5 को 50/10 लिख सकती हूँ, हाँ या ना, हाँ। मैं क्या करूँगी, ये 10 क्या कहाँ चला जाएगा, 60 किलोमीटर × 1 सेंटीमीटर × 10/50 किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर कट जाए, 15 × 4 कितना होता है, दैट इज 60। कितना होता है 60, तो 15 × 4 = 60, 4 × 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर। हमारा आंसर कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर = 1.5 किलोमीटर है, डिस्टेंस गिवन है 60 किलोमीटर से सेंटीमीटर में कितना आएगा, तो कैसे किया हमने, 1 सेंटीमीटर = 1.5 किलोमीटर, तो x = 60 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर × 60 किलोमीटर = 1.5 किलोमीटर × x। x की वैल्यू कैसे रहेगी, 60 किलोमीटर × 1 सेंटीमीटर / 1.5। मैंने 1.5 को कैसे रिप्रेजेंट किया, 15/10। जितने डेसिमल के बाद नंबर है उन डेसिमल्स को हम उसके अपॉन में उतने 0, 10, 100 ऐसे करते जाते, ठीक है। ये 10 कहाँ चला जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे के डिवाइड में वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 60 किलोमीटर × 1 सेंटीमीटर × 10/15 किलोमीटर, 15 × 4 = 60, तो 4 × 10 हमारा आंसर आया 40 सेंटीमीटर। कितना आंसर आया, 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास गिवन है ये ओवरऑल करना चाहिए है ना, ये बेसिक हमें क्लियर कर लिया अपने कि कैसे करते हैं, 1 सेंटीमीटर = 10 किलोमीटर। अगर स्केल क्या होगी, वॉच होगी, 10 किलोमीटर को हम किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में, तो 25 सेंटीमीटर = how much किलोमीटर। कितना हो जाएगा, डायरेक्टली बताए तो इंटू कर दिया 250 किलोमीटर, तो फिर भी कर दिए x × 1 सेंटीमीटर = 25 सेंटीमीटर × 10 किलोमीटर। x की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर × 10 किलोमीटर / 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, आंसर विल बी 250 किलोमीटर। कितना जाएगा, 250 किलोमीटर। अब तक हमने क्या किया, हमने स्केल को रिप्रेजेंट करना सीखा, हमने क्या किया,
जब भी जो स्केल गिवन है उसके नीचे जो वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे जैसे 25 सेंटीमीटर गिवन था, तो सेंटीमीटर के नीचे मैंने सेंटीमीटर लिखा, जो वैल्यू फाइंड करनी थी मैंने वहां क्या रख दिया, x रख दिया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x into 1 सेंटीमीटर equals to 25 सेंटीमीटर into 10 किलोमीटर, ये ऐसे ही रहा, x के पास जितनी वैल्यू होगी वो कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 1 था तो 1 तो किसको कट करेगा, तो आंसर क्या आएगा, 25 into 10 that is 250 किलोमीटर, ओके, तो हमारी ये सेक्शन that is सेक्शन 3 यही खत्म होता है।